भाई जब एग्जाम चल रहे होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम छुट्टियों में ये करेंगे वो करेंगे, और फिर भाई जब छुट्टियां आती हैं तो पता नहीं कैसे इतनी जल्दी निकल जाती हैं। मेरे भाई अच्छे दिन हमेशा जल्दी निकल जाते हैं। सही कह रहा है। लेकिन भाई अब तो स्कूल में भी मजा आने वाला है, सीनियर भैयाओं से बातचीत होगी, सीनियर बिल्डिंग में जाएंगे। भाई वैसे अब तो हम गर्लफ्रेंड भी बना सकते होंगे, सीनियर हो गए भाई हम तो। अबे चमन चिकने, पहले दाढ़ी मूछ तो आने दे, अभी तो तू खुद लड़की जैसा है। अबे चल मैं तो लड़की जैसा हूँ, साले उजड़े चमन, तू तो टकले गुंडे जैसा है। चल अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता तू नई किताबें ले आया कहाँ? भाई मम्मी राज भैया की सारी बुक्स उठा के रख लेती है, हर साल उन्हीं पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ता है, छोटा हूँ ना। भाई नई बुक से पढ़ने का मजा ही कुछ और है, उनकी तो खुशबू ही अलग होती है। अच्छा लेकिन तुझे क्या पता। मम्मी मेरे को इस बार नई बुक्स लेनी है, मैं भैया की पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगा। ओ ज्यादा दिन लग गए क्या? आपसे नहीं कहा मैंने यार, मम्मी मेरे को भी नई किताबों की खुशबू सूंघनी है, कैसी होती है? तो तेरे को खुशबू सूंघवाने के चक्कर में 1000 रुपए खर्च कर दें है? 10 रुपए का सेंट छिड़क दूंगा अपनी पुरानी किताबों पे, पूरा साल सुनता रही हो। आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? मम्मी पापा के हो रहे हैं, फालतू में बोल रहे हो। हाँ तो मम्मी पापा के पैसे भी मेरे ही हैं, समझ गया? आपके अकेले के नहीं है, आधे हिस्से का वारिस मैं भी हूँ, है ना मम्मी? हो जायदाद के वारिस हूँ, तू नई किताबें ले लियो, यहाँ प्रॉपर्टी ना बांटो, अभी हम जिंदा है। माता सुन। हाँ जी। अपने नोट्स निकाल दियो, वंदना आंटी मांग रही थी अपने बेटे के लिए। मेरे नोट्स? मम्मी मेरी राइटिंग मुझे खुद नहीं समझ आती, वो क्या समझेगा? तो फिर वैसे तो भोलू के पास ही जा रहा था, उससे पूछ लूंगा। हाँ पूछ लियो एक बार। ठीक है। देख भाई सही बताऊँ, नोट्स तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं कभी भी दूसरों के नोट्स से पढ़ने का फायदा नहीं होता। हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने फोकस एरियाज होते हैं, तो उसको बोल कि वो अपने नोट्स खुद बनाए और क्विजलेट पे बनाए। क्विजलेट मतलब? भाई क्विजलेट वन ऑफ द बेस्ट एप्स है जिससे तुम कोई भी चैप्टर इजीली याद कर सकते हो। अच्छा। और भाई उसमें एक फीचर है फ्लैश कार्ड्स का। फ्लैश कार्ड्स? बेसिकली फ्लैश कार्ड से नोट्स याद करने में बहुत आसानी होती है, और भाई लास्ट मिनट रिविजन पे तो बहुत काम आते हैं। अच्छा कैसे? देख भाई जो चीज हमें आती होती है उसको हम राइट स्वाइप कर देते हैं, और जो हमें फ्लैश कार्ड नहीं आता होता उसे हम लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं। तो इवेंचुअली इससे हमारा एक एनालिसिस हो जाता है कि क्या हमें आता था और क्या हमें नहीं आता था, और हमें रिवाइज करने की जरूरत है। सही है यार, पहले ही बताया था, मैं भी थोड़े ढंग के नंबरों से पास हो जाता। भाई तूने कभी पूछा ही नहीं, पैसे तो लगते होंगे इसमें? नहीं भाई कम्प्लीटली फ्री है, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड क्विजलेट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा तुम लोगों ने ट्यूशन के बारे में सोचा है? कहाँ लगानी है? बुक्स खरीदी नहीं होंगी तूने, ट्यूशन चला जा। भाई मैंने तो ले ली बुक्स, और ट्यूशन भी मैं भव्य सर और आयुष सर के यहाँ सोच रहा हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं, तुम लोग को भी लगवानी हो तो बता देना, बात है मेरी वहाँ पे। सही है। और ये बाल सिंह ऐसी बुलडॉग जैसी शक्ल के बना के बैठा है, क्या हो गया भाई? एवरीथिंग ऑल राइट? भाई घर वालों से नई किताबों के पैसे लिए थे, सोचा था 30% में पुरानी किताबें ले लूंगा, 70% में पार्टी कर लूंगा। अच्छा आइडिया है यार। भाई पार्टी तो कर ली, पर अब 30% में कोई किताबें नहीं दे रहा पुरानी। भाई तो तूने पहले पार्टी क्यों करी? साले तू ही तो मांग रहा था पास होने की खुशी में, भूल गया? फिर तो जरूरी थी। भाई मैंने तो अब तक किताबें ली नहीं, जब कोई पढ़ना शुरू करूंगा 2-4 महीने बाद तब लूंगा। भाई मैं तो ना स्ट्रेस नहीं डालता अपने दिमाग पे। स्ट्रेस डालने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए यार। तुम लोग को पता है तुम लोग ना बहुत ओल्ड फैशन हो, वही घिसे पीटे पुराने तरीके, पढ़ना बुक्स खरीदना वही पैसे की वेस्टेज है। द बेस्ट वे इज क्लास की सबसे होशियार लड़की से दोस्ती करो, तुम जितने साल में पेन बदलते हो ना उतने ही अलग अलग रंग के पेनों से वो नोट्स बनाती है। भाई लड़कियां भी तुझे ही मिलती हैं, हमें तो अंकल कह के निकल जाती हैं। भाई बहुत बढ़िया, फिर तो तू टॉपर की मम्मी से दोस्ती कर लियो, वो अपने बच्चों के नोट्स दे दिया करेंगी। साले ले आया। हाँ सुन लेने अब। येलो मत रीस करो। ये लाइन कहाँ से पढ़ी तूने? ट्रक के पीछे लिखी थी। जैसे तेरे हाल है ना, तू बड़े होकर ट्रक ही चलाएगा। आप तो जैसे एरोप्लेन चलाओगे ना। बता यार माधव, अलग ही धंधा बना रखा है इन्होंने, छठी क्लास की किताबें 12,000 रुपए की ले। 12,000 में तो मम्मी आपका एयर फायर आ जाता, जो आप इतने टाइम से लेने की सोच रही हो। मैं तो पहले ही कह रहा था मम्मी, उसे गलत पैदा कर दिया आपने। भैया आपने ज्यादा आग मत लगाओ, आपको गलत पैदा किया होगा, तब नहीं पैसे खर्च हुए थे जब आपने नया फोन लिया था। तुम दोनों चुप हो जाओ। कमाल की बात तो ये कि किताबें तो भाई 5,000 रुपए की हैं सिर्फ, पता नहीं क्या अड़गम शड़गम भर रखा है, 2 पेंसिल कलर के डब्बे, 2 वाटर कलर के डब्बे, 2 क्रेयॉन्स पेंसिल इरेजर, क्या है भाई ये? तो मम्मी ये सब मत लेते,
खाली बुक्स ले लेते। नहीं जी, पूरा सेट लेना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसी नजरों से देखते हैं, जैसे हमारी कोई औकात ही ना हो। कोई नहीं ना मम्मी, फिर हमें ये चीजें अलग अलग जगह से लेनी पड़ती है, यहाँ एक ही जगह मिल गई, सही तो है। अब देखो मम्मी कैसे बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, मेरी पुरानी किताबें भी एक ही जगह रखी थी, ले लेता। देखते हैं भाई नई किताबें पढ़ के कितना टॉप करेगा। चलो हो गया जो है। मम्मा बुक्स पे कवर भी तो चढ़वाना है, और अगर हम बाहर से चढ़वाएंगे ना तो बहुत पैसे नहीं लेते हैं मम्मा। आप ना राज भैया से कह दो कि वो चढ़ा देंगे, कम से कम ये पैसे तो बचाएं। सही कह रहा है माधव, तू ही चढ़ा दियो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बली है। और नीचे पहन ले भाई, घुटनों पे पहन ले, कच्चा दिखना चाहिए तेरा, उसी में तो मजा है। भैया आप अपनी पैंट देखो ना, मेरी पैंट क्यों देख रहे हो? करके छोड़ दिया ये सब काम मैंने, समझ गया। हाँ तो ठीक है, मैं भी करके छोड़ दूंगा। अच्छा एक बात तो बता, अगर शर्ट फोल्ड ही करनी थी तो हाफ शर्ट ले लेता। जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं ना भैया, वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। कितना बोलता है ये। देख अब तक तो ठीक था, लेकिन ये छपरी जैसे कॉलर नीचे कर ले, ये सच में बहुत बुरे लगते हैं। मैं नहीं चाहता ना यार कि लोग मुझे कहें तेरा छोटा भाई छपरी है क्या। ये ले टिफिन ले ले, और एक बात सुन, जिन बुक्स के सामने स्टार बना हुआ था वो सारी बुक्स स्कूल से मिलेंगी, याद से मैडम से पूछ लेना और ले लेना। ठीक है मम्मी। 12,000 रुपए लगे हुए, कहीं वहीं छोड़ा है। यार भैया पूरे साल ये सुनाते रहोगे क्या? अरे यार जाओ, दोनों लेट हो जाओगे। अच्छा भैया एक्टिवा पे ले चलोगे अपने साथ? तुझे बिल्कुल भी नहीं, बस से जा अपने आप। अच्छा बस तक तो छोड़ दो, पैदल चला जा पैदल। क्या हुआ, थक गया? हाँ यार मम्मी। कैसा रहा पहला दिन? ठीक ही था मम्मी, क्लास टीचर तो हमें अच्छी मिली नहीं है, बी सेक्शन को अच्छी मिली है। क्यों? मम्मी मैंने मैम से पूछा कि मैम मैं गो टू टॉयलेट, तो मैम ने मेरे को डांट के बैठा दिया और बोली कि मेरे पीरियड में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। अच्छा इसलिए मैडम बुरी है? हाँ, और मम्मी दूसरे सेक्शन से तो हंसने की आवाज आ रही थी, हमारी मैम ने तो हमसे इंट्रोडक्शन तक लेने से मना कर दिया। मैं तो सोच के बैठा था कि मैम जब बोलेगी बड़े होके क्या बनना है तो मैं एक्टर बोलूंगा। चल कोई बात नहीं, पहले दिन टीचर्स गुस्सा करती हैं फिर ठीक हो जाती हैं। और तो सुनो, इंग्लिश वाली मैम पिछले साल तक तो हमें हिंदी पढ़ाती थी, इस साल उन्हें इंग्लिश का टीचर बना दिया, मम्मी उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती। ये तो गलत बात है। और मम्मी मैथ्स वाले सर की सुनो बात, गिनती के 2-3 क्वेश्चन बोर्ड पे कराए, समझाए भी नहीं, और बोल दिया बाकी के 10 क्वेश्चन घर से करके लाना। टाइम टेबल लिखवाया, उसने आज गेम्स का भी डेट लिखा था, बोले आज नहीं होगा अगले हफ्ते से होगा। अच्छा मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफी बना के लाती हूँ, तू परेशान मत हो। हाँ नहीं तो। हाँ भाई सीनियर रंग में आती, पहले दिन ही पॉटी निकल गई तेरी। पॉटी तो भैया आज आपकी निकलेगी, मैंने सब देख लिया सुबह, आप किसके साथ जा रहे थे? क्या देख लिया तूने? मैंने देख लिया आप क्यों मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे थे। मतलब क्या? पैंट गीली हो गई, गीली निकल गई हवा। अच्छा जा बता दे क्या बताएगा। बता रहा हूँ रुको, रुको। अच्छा सुन सुन सुन, अरे मैं तेरे सारे क्वेश्चन कर दूंगा मैथ्स के भाई, सुन सुन रुक मेरी बात। हेलो गाइस, आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, क्योंकि भाई तुम लोग जानते हो 12th के बोर्ड चल रहे थे और मैं 12th में था, अच्छे गए हैं मुझे पता है। ज्यादा पढ़ाई कर रहा था। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, टॉप भी कर सकता है, टॉप भी कर सकता हूँ, मम्मी सब कुछ खुद ही बता रही है यार। बाकी घर आके तो उसने यही बताया पेपर बहुत अच्छे हुए, मैंने कहा पढ़ाई तो तूने इतनी करी नहीं शायद अच्छे हो गए होंगे। देखो रिजल्ट तक जिंदा रहना है तो ऐसी बातें करनी पड़ती है। आज किसी को बता भी रहा था कि स्टेट में रैंक आ सकती है, मेरे का स्टेट में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ सकती है, फर्स्ट मेरा दोस्त है एक। खैर 27 से यार लगा ही हुआ था मैं, और अब जाके फाइनली ये वीडियो बन गई एंड मैंने डाल दी, तुम लोगों ने देख ली। एंड द टॉपिक वॉज ऑल्सो ट्रेंडिंग नाउडेज, क्योंकि न्यू सेशन है भाई, सबका नया सेशन स्टार्ट होगा। मैं तो स्कूल से निकल गया, लेकिन जब मैं स्कूल में हुआ करता था मेरे साथ यही सब होता था, मेरी बड़ी बहन है तो यू नो व्हाट आई मीन। हाँ ये बेचारा बड़ा भोला था और ये पुरानी किताबें ले लेता था, ये मिंकू ही था, ये लेता नहीं था। हाँ लेकिन छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातों को बड़े प्यार से इसमें दिखाया गया, आप लोग जरूर देख ली पापा उन्होंने देख के यहाँ तक पहुँचे। बहुत दिन बाद वीडियो बनाई तो हम लोग मतलब आउट ऑफ वर्क हो रहे थे, आउट ऑफ मतलब एक्टिंग हो रहे थे, आउट ऑफ मतलब डायलॉग ज्यादा काम, और इतना थक गए हम जैसे पता नहीं हमने क्या किया है, दो दिन हम बहुत थक गए। खैर अब हो चुका है, अब मैं कंसिस्टेंट रहने क्या यार, अब तो रहेंगे ऑब्वियसली, अब क्या ही काम है, वीडियो बनाएंगे पढ़ाई करेंगे। घर भी तैयार होने वाला है और मुझे लगता है 4-5 दिन में हम लोग एग्जैक्टली जब वो ढंग से तैयार हो जाएगा तो इसी मेन चैनल पे हम होम टूर भी देंगे जरूर एक, तो उसका भी वेट करो।
प्लस बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी हम, प्लस नई लॉन्ग फॉर्म्स आती रहेंगी अब। चलो फिर सो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बाय।